इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता रमेश चंद जैन, सीता देवी जैन, पुत्र पुत्र वधू संजय जैन, मीनू जैन, राजकुमार जैन, अलका जैन, साहिल जैन, निधि जैन, पौत्र पौत्री सम्यक, उज्जवल, भव्य, विधि, कार्तिक, जैनम एवं समस्त रोलिया परिवार तिजारा। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः पंच परमेष्ठी भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की एक साथ सदा सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की। ये सारी दुनिया एक ऐसे रहस्यमय ढंग से परिणत होती है जिस रहस्य को आज तक कोई खोज नहीं पा रहा। विज्ञान कितना भी आविष्कार कर ले लेकिन सृष्टि की संरचना में वह अपनी गति नहीं कर पा रहा। जो विषय एक अदृश्य रूप से प्रस्तुत है वह अनंत है। जो देखने में आ रहा है वो तो बहुत थोड़ा सा क्षेत्र है। जो अपन सुन रहे हैं ये शब्द तो बहुत कम है। इतने शब्द हैं जो हमने अभी सुने ही नहीं, इतने दृश्य हैं जो हमने अभी देखे नहीं। हमारे अनुभव में आई हुई सृष्टि बहुत छोटी है, हमारी जिंदगी भी बहुत छोटी है, लेकिन यह सृष्टि बहुत विशाल है। इस सृष्टि में जैसे एक गांव में एक चींटी छोटी पड़ जाती है गांव बड़ा हो जाता है, ऐसा ये संसार बहुत बड़ा है और हम और आप एक चींटी के समान एक छोटा सा अस्तित्व रखते हैं। और सृष्टि को जानने के लिए हमारी इच्छाएं होती हैं लेकिन जान नहीं पाते। जब सृष्टि में सब कुछ जानने योग्य है तो हम जान क्यों नहीं पाते? इसका मूल कारण है कि हम जिंदगी में इतनी समस्याओं से ग्रसित हो जाते हैं कि उनका समाधान करते करते जिंदगी का अंत हो जाता है। हमारी जिंदगी की इतनी समस्याएं हैं जिनके बाद हमें कुछ सोचने का मौका नहीं मिल पाता। हमारी जिंदगी की इच्छाएं इतनी हैं कि हम उनकी पूर्ति करने में ही सारी जिंदगी गुजार देते हैं। और खेत तो जब होता है जब व्यक्ति जिंदगी के अंत में अधूरा होकर मरता है, अतृप्त होकर मरता है। जिंदगी की सबसे बड़ा वीक पॉइंट है जो जिंदगी का अंतिम समय अतृप्त होकर मरता है वह संसार में भटकता है, कूप मंडूक के समान जिंदगी जीता है। कैसे वो शक्ति आएगी कि जब हम सारे जगत को जानेंगे, सारा जगत हमारे ज्ञान में होगा, उसके लिए हमें इसी जीवन में एक अनुभूति करना पड़ेगी।
यदि तुम्हारी आज मौत आ जाती है तो क्या तुम पूर्ण होके मरोगे? यमराज तुमसे पूछेगा, क्यों भाई, मैं तुम्हें लेने आया हूं, क्या तुम पूर्ण हो, कुछ बाकी है? यदि हमने कह दिया कि यह जब मेरी मृत्यु ही निकट है और मृत्यु ही आ गई है तो मैं पूर्ण हूं, मुझे जो करना था मैंने कर लिया, जो देखना था मैंने देख लिया, जो सुनना था मैंने सुन लिया, जो बोलना था मैंने बोल लिया, जो खाना था मैंने खा लिया, जो कुछ करना था मैंने सब कुछ कर लिया, मैं पूर्ण हूं, मैं निराग हूं, मैं मूर्छा से रहित हूं, मेरा कुछ भी नहीं, मैं किसी का नहीं, कोई मेरा दुश्मन नहीं, कोई मेरा मित्र नहीं, मुझे जन्म और मृत्यु से भी अपने आप की अनुभूति ऊपर उठा दी। मैं जीवित रहूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं मरण को प्राप्त हो जाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जन्म ले लूं मुझे कोई फर्क नहीं करता, मैं एक अजर अमर अविनाशी शाश्वत ब्रह्म स्वरूप हूं। और जब मेरा ब्रह्म स्वरूप जाग गया तो ब्रह्म स्वरूप हमेशा पूर्ण होता है। लोग पूछते हैं कि महाराज वो ब्रह्म स्वरूप क्या है, वो शिव स्वरूप क्या है जो घट घट में कण कण में विद्यमान है, जो सदा जहां देखो जहां चाहो वहां विद्यमान है, क्या ये शास्त्रों की भाषा है, क्या ये शास्त्रों के कथन मात्र है कि कुछ इसमें सत्यता भी है? कणकण में भगवान विद्यमान है पर हमें तो कभी देखने में नहीं आया, कभी हमें अनुभव में भी नहीं आया। अनुभव में आ जाएगा तो तुम चलोगे कहां, क्या भगवान के ऊपर चलोगे? यदि कणकण में भगवान विद्यमान होगा तो रहोगे कहां, भगवान के ऊपर रहोगे क्या? कणकण में भगवान विद्यमान है तो खाओगे क्या, भगवान को खाओगे? बहुत बड़ा ये ऐसा प्रश्न है, यक्ष प्रश्न है। जब शास्त्रों की ऋचाएं पढ़ते हैं और श्रद्धा, अटूट श्रद्धा जब प्रस्फुटित होती है और हम अपनी क्रियाओं को देखते हैं तो मन विचलित हो जाता है। सामान्य व्यक्ति समझ नहीं पाता कि आखिर मैं क्या करूं। कणकण में विद्यमान है तो फिर मैं इस दुनिया में कहां उठूंगा, कहां बैठूंगा, कहां चलूंगा, क्योंकि कणकण में वह परमात्म शक्ति विद्यमान है। बहुत बड़ी विचित्रता हो रही। एक महावत से हमने पूछा, मैंने कि भाई इस हाथी को आप डुला रहे हो, बोले ये गणपति बाबा का स्वरूप है। मैंने कि जब तुम्हें ये मालूम है तो तुम इसके ऊपर बैठे क्यों हो, इसके ऊपर बैठे क्यों हो, इसको अंकुश क्यों मार रहे हो, इसको लातों से प्रहार क्यों कर रहे हो, दोनों में से कोई एक समझो।
वो मुझे उत्तर नहीं दे पाया। तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर तो साधु दे देता है, जब गुरुजी ही प्रश्न करें तो चेले की क्या औकात के उसका उत्तर दे पाए। हाँ, आप लोगों के प्रश्न होते तो हम लोग जवाब दे देते, जब हम ही लोग प्रश्न करेंगे तो आपकी हिम्मत। उसने चरण पकड़ लिए, बोले महाराज जी मेरे समझ से परे है, मैं क्या करूं। तो मैंने कहा छोड़ दो हाथी को, छोड़ दो गणपति बाबा को। बोले महाराज जी मार डाले निरंकुश हो जाएगा, गांव को उजाड़ देगा, क्या है, क्या है आस्था, क्या है श्रद्धा, क्या है सत्स्वरूप, क्या वह भगवान का रूप है तो क्या वो नगर को उजाड़ सकता है? नहीं उजाड़ सकता। भगवान का रूप तो करुणा निधान होता है, वो किसी का विनाश नहीं विकास करता है, वो क्रोधित नहीं होता, वो सारी दुनिया को चलाता है, उसे कोई चलाने वाला नहीं होता है। एक ऐसी आस्था सदा से हर व्यक्ति के मन में पनपती आई, उसका दर्शन करने के लिए दिखेगा, उसी में दिखेगा, छुपा है कहीं। बस हमारे लिए हमेशा एक बात से विचार करना है, क्या हमें कभी पूर्णता की अनुभूति हुई, तृप्ति हुई? मैं पूर्ण तृप्त हूं, निष्काम हूं, अब मेरी कोई इच्छा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। अंदर से आवाज आए, मेरी कोई इच्छा नहीं, मैं पूर्ण तृप्त हूं, निष्काम हूं, मुझे कोई करने को कोई कार्य शेष नहीं, मैं पूर्ण हूं। ये दो चीजें दो अनुभव से जैसे ही मेरे प्रस्फुटित होंगी, तैसे ही यमराज तुम्हें नमस्कार करेगा, बोले बस ये तो अमर अविनाशी है, इसको नहीं मारना है, वहीं वो प्रणाम कर लेगा। क्योंकि अमर व्यक्ति सदा पूर्ण होता है, वह तुरंत अमरता का दर्शन करेगा और स्वयं वह तुम्हें घोषणा करेगा, जाओ तुम अमर हो, तुम परिवर्तन करोगे, तुम इच्छानुसार परिवर्तन होगा तुम्हारा, लेकिन तुम्हारी मौत कभी नहीं होगी, परिवर्तन होगा। परिवर्तन और मौत में अंतर है, मौत सब कुछ छीन लेती है, मौत भयानक होती है। मौत का नाम सुनते ही एक ऐसा वह शहरन उठती है, मौत को काल कहते हैं, मौत को यमराज कहते हैं, और परिवर्तन को, परिवर्तन भयशील नहीं होता। बस हमें अपनी जिंदगी से अंत में मरना नहीं है, परिवर्तन करना है। मरने की बात आते ही बहुत गलत हो जाता है। यदि अपनी जिंदगी में कोई कहे कि तुम्हारी मौत है तो अपन डर जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे। परिवर्तन करो, और परिवर्तन जब होता है तो ऐसे ही लगता है जैसे फटा कपड़ा उतारते ही नया कपड़ा मिलता है, तो कैसा लगता है? फटा कपड़ा, कपड़ा फट चुका है और तुम्हारे सामने कोई नया कपड़ा दे रहा है, वो लोग कौन रोएगा,
बांधकपुर वाले बताओ। फटा कपड़ा उतारते ही नया कपड़ा मिल रहा है तो खुशी होगी या दुखी होगे? जल्दी बोलो छोड़ो। बहुत खुशी होगी। पुराना कपड़ा मर रहा है या परिवर्तन हो रहा है? हैं? बस यही है, यही है आनंद, यही है परमानंद, यही है ब्रह्म स्वरूप, यही है शिव स्वरूप, यही है सृष्टि का परमानंद। जब अपनी जिंदगी में परिवर्तन आ जाता है तो पुराना कपड़ा जाता है, नया आता है, आनंद का सरोवर लहरा जाता है। हम मर रहे हैं, हर पर्याय में मर रहे हैं, हमारी मौत हो रही है, हमारा सब कुछ जा रहा है, हम लुट रहे हैं, हम कंगाल हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि गया सब कुछ, खत्म हो गया, कुछ बता ही नहीं, क्योंकि हम बार बार मरते हैं। यमराज हमें लूटता है, हम सबको जोड़ लेते हैं, वो सब यहीं छुड़ा के भाग जाता है। हमारी जिंदगी परिवर्तन के रूप में हो जाए, और जैसे ही परिवर्तन होगा अंदर आत्मा में ऐसा नर्तन होगा, ऐसा नृत्य होगा, नृत्य होगा, हम खुद ही नाचेंगे, खुद ही आनंद मनाएंगे। दो प्रकार के नाटक होते हैं, दो प्रकार के नाचने वाले होते हैं। एक आजीविका के लिए नाचता है, एक आजीविका के लिए नाचता है, उसमें देखने वालों को आनंद आता है, नाचने वाला थकता है। नाचने वाला कम से कम नाचना चाहता है। नाचने वाले को यदि आप जितना रुपया उसने लक्ष्य बनाया उतना मिल जाए तो वो नाचना बंद कर देगा। वो आजीविका है, वो मजबूर है, वो मजदूर है, वो पेट की आग बुझाने से जल रहा है इसलिए नाच रहा है, वो थक जाता है। उसकी दृष्टि रहती है कब मुझे मजदूरी मिले, मैं नाचना बंद करो, नाच रहा है। और एक भक्त नाचता है भक्ति में, जिसमें देखने वाले को आनंद नहीं आता, नाचने वाले को आनंद आता है। बोलो महानुभाव। बहुत सरल उदाहरण दे रहा हूं, थोड़ा कठिन नहीं दे रहा हूं। मैं कोई साहित्य कोई संस्कृत भाषा में नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं कहां बैठा हूं। कितना छोटा सा उदाहरण दिया तुमने। एक नाचने वाला नाच रहा है, वो थक रहा है, देखने वालों को आनंद आ रहा है, देखने वाले बहुत आनंदित हो रहे हैं, लेकिन नाचने वाले को बिल्कुल भी आनंद नहीं आ रहा है। और एक भक्त नाच रहा है भगवान के सामने, ना भगवान को आनंद आ रहा है तेरे नाचने पर, ना दुनिया को आनंद आ रहा है तेरे नाचने पर, आनंद आ रहा है तो नाचने वाले को खुद आ रहा है। मैं अभी देख रहा था जलूस में, शेर वाहिनी नौजवाना शेर बन के नाच रही थी, वो थक नहीं रहे थे, मुझे आनंद नहीं आ रहा था, देखने वालों को भी आनंद नहीं आ रहा था, लेकिन नाचने वालों को इतना आनंद आ रहा था कि जैसे उनके सागर उमड़ रहा। बस यही तो है भक्ति। भक्ति में जब नाचता है स्वयं आनंद विभोर हो जाता है, उसे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। वो भगवान को रिझाने के लिए नहीं नाचता, भगवान को भस्म करने के लिए नहीं नाचता, वो दुनिया को दिखाने के लिए भी नहीं नाचता। उसका तो एक आनंद उमड़ता है, ऐसा आनंद उमड़ता है
उसको लगता है कि प्रभु तेरी भक्ति में नाचता ही रहो, नाचता ही। अब देखना दोनों नाच हैं, सारी दुनिया कर्म की कठपुतली बनकर नाच रही है, परिवर्तन कर विभिन्न प्रकार के खेल खेल रही है रंगमंच में, लेकिन आनंद नहीं आ रहा है। कोई बाप बन के नाच रहा है, कोई बेटा बन के नाच रहा है, कोई बाप के लिए नाच रहा है, कोई बेटे के लिए नाच रहा है, कोई पति बन के नाच रहा है, पत्नी के लिए नाच रहा है, कोई पत्नी बनकर नाच रही है, पति के लिए नाच रही है, कोई भाई नाच रहा है, कोई बहन नाच रही है, सब नाच रहे हैं, सब एक दूसरे के लिए नाच रहे हैं। एक पिता बेटे के लिए नाच रहा है, शेयर करना, आपके बेटा होने के बाद आपका सोच, आपका कमाना सब किसके लिए कमाते हो, बोलो ना। बेटा होने के बाद हम लोग पूछ लेते, क्यों भाई क्या कर रहे हो? अरे महाराज जी बेटा है, सब बेटे के लिए कर रहा हूं, बेटे के लिए नाच रहे हैं। बेटा पिता के लिए नाच रहा है। हर व्यक्ति किसी ना किसी के लिए नाच रहा है, खुश करना चाहता है। मेरी जिंदगी में मेरा व्यक्ति फलाना खुश हो, हर व्यक्ति चाह रहा है। आप गृहस्थी में हैं, बेटा चाहता है पिता मेरे से खुश हो, पिता भी चाहता है बेटा मेरे से खुश हो, पत्नी चाहती मेरा पति खुश रहे मेरे से, पति भी चाहता है पत्नी खुश रहे मेरे से, मैं जितना सुख उसको दे सकूं दूं। पड़ोसी चाहता है पड़ोसी से, गांव चाहता है सदस्य के मैं इस गांव को कुछ दूं। ये तो सब होते जा रहे। कभी ऐसी परिणति हो जाए कि मैं नाच रहा हूं अपने आप की खुशी के लिए, मुझे खुद को खुश करना है। तुम खुश हो क्या दूसरे को खुश करने के लिए? क्या तुम खुश हो? क्या तुम्हारे अंदर की चेतना नर्तन कर रही है? दो ही व्यक्ति अपने लिए नाचते हैं, जिन्हें परमात्मा मिल जाता है या जिन्हें आत्मा दिख जाती है। बाकी सब नट हैं। जैसे वो नट नाचता है, मात नाचने पर सब लोग कुछ निछावर देंगे। आते ना नटने वाले, ढोल बजाने वाले, अपन लोग सब खड़े हो जाते हैं और नटने के बाद वो देखता रहता है किसने कितना। और उसकी दृष्टि नाचने पर नहीं है, उसकी दृष्टि किस पर है? निछाओ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस नट का तो मैं उदाहरण दे रहा हूं, कहीं अपन सब भी अनादि काल से इन संसार में नट बन के तो नहीं नाच रहे हैं? क्योंकि हमारा हर नट दूसरे को आकर्षित करने के लिए है, हमारी हर क्रिया दूसरे से प्रभावित है। या तो हम किसी को दुख देने के लिए करते हैं या किसी को सुख देने के लिए करते हैं। मंदिर भी आएंगे तो हम भगवान को खुश करने के लिए करेंगे, हम साधुओं के पास आओगे आप प्रयास करोगे। बांदकपुर वालों, महाराज आ रहे हैं, कैसे महाराज को खुश करना है ना, बहुत अच्छी आगवानी कराना है जिससे महाराज खुश हो जाए।
तो मैं भी कम नहीं हूं। जब तुम मुझे खुश करने का करोगे तो मैं भी प्रयास से करूंगा कि ऐसा कुछ करूं कि बांदकपुर वाले खुश हो जाए। महानुभाव, ये नारा तुमने गलत लगा दिया, ये नट और नटनी का नाटक बता रहा था। तुम मुझे खुश करने के लिए नाच रहे हो, मैं तुम्हें खुश करने के लिए आशीर्वाद दे रहा हूं। खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। गुरु भक्त का संबंध खत्म हो गया, क्योंकि हमने तुम्हें खुश करने के लिए आया हूं, तुम्हें खुश करने के लिए आशीर्वाद दे रहा हूं, तुम्हें खुश करने के लिए प्रवचन दे रहा हूं। और तुम भी जो कुछ कर रहे हो महाराज को खुश करने के लिए कर रहे हो। खत्म, सब कुछ। यही तो भूल हुई धर्म में। अनादिकाल से हमने कर्म की भूल की और धर्म की भूल की। कर्म की व्याख्याएं मैंने बता दी कि हर व्यक्ति संसार के लिए जी रहा है और संसार तुम्हारे लिए जी रहा है। तुम्हारी दशा ऐसी हो गई है कि एक स्कूटर वाले से पूछा कि स्कूटर को कौन चला के लाया। स्कूटर ने कहा फलाने व्यक्ति चला के आए। फलाने व्यक्ति से पूछा तुम्हें कौन यहां से चला के लाया। बोले स्कूटर लाया। बोलो स्कूटर को चलाने वाले ने चलाया या चलाने वाले ने स्कूटर को चलाया। स्कूटर कहता है कि मैं कहाँ चल सकता हूँ, इसने चलाया। और चलाने वाले से पूछा कि मैंने मुझे कौन लाया, बताओ किसने किसको चलाया। गाड़ी ने तुम्हें चलाया या तुमने गाड़ी को चलाया। एक छोटा सा प्रश्न जिंदगी में समाधान कर सको तो इस छोटे से समाधान में मैं तुम्हें इतना बड़ा रहस्य दे दूंगा कि शायद जिंदगी भर भी नहीं समझ पाएंगे। किसने किसको चलाया, स्कूटर ने तुम्हें चलाया या तुमने स्कूटर चलाया। बोलो, जल्दी बोलो। तुम कहो महाराज एक दूसरे को चलाया। और जब तक एक दूसरे को चलाते रहोगे तब तक संसार में पड़े रहोगे, संसार में पड़े रहोगे। धर्म क्षेत्र में भी यही हुआ। कर्म क्षेत्र में भी हम अपने आप को नहीं चला रहे, परिवार को चला रहे, परिवार को चला रहे, अपने लिए नहीं चला रहे। धर्म क्षेत्र में भी हम भगवान के लिए खुश करते हैं, प्रयास करते हैं। भगवान कैसे खुश होगा, गुरु कैसे खुश होंगे, देवता कैसे खुश होंगे। तो वे देवता भी भगवान भी तुम्हारे लिए कुछ ऐसा कर देते हैं कि तुम खुश हो जाते हो। लो देखो, मैं आपको तो मुझे खुश करने के लिए नमोस्तु करो। है लो, मैं तुम्हें खुश करने के लिए आशीर्वाद देता हूं। हो गया क्या, हम अब विहार करूं? हो गया ना, तुमने नमोस्तु किया, मैंने आशीर्वाद दे दिया। नहीं महानुभाव, मंदिर में उस दिन भक्ति मानी जाएगी जिस तुम मंदिर में अपने आप को खुश करने के लिए आओगे, भगवान को नहीं। भगवान को खुश करना ही नहीं, भगवान को खुश करने का प्रयास करना नहीं। एक आनंद से आनंद उड़ रहे, क्यों जा रहे हो मंदिर? अपनी खुशी के लिए, अपने आनंद के लिए। इतना आनंद आ रहा है भगवान की भक्ति में कि वो नाच रहा है। बस तुम्हें यहां परिवर्तन करना है,
तुम मुझे खुश करने का प्रयास मत करो बांदकपुर वालों, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मुझे खुश कर लोगे, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मुझे खुश कर लोगे। बस तुम तो ऐसा कुछ जगाओ कि महाराज हम बांदकपुर वाले जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी खुशी के लिए, अपने आनंद के लिए कर रहे हैं, आनंद में झूमो। महाराज आए हैं आनंद, महाराज आए हैं आनंद, उछल रहा है आनंद, आनंद से नाचो। एक अंदर की अनुभूति उद्घाटित हो, रोम रोम पुलके थे, तो मैं भी आशीर्वाद दूंगा तुम्हें खुश करने के लिए नहीं, मुझे आशीर्वाद देने में आनंद आता है कि मेरे आशीर्वाद से ना जाने कितने लोगों के आंसू पुछ जाते हैं और खुशी आती है, आनंद। तुम्हारे आंसू सूख जा, तुम्हारे आंसू पहुंच देते हैं इसलिए नहीं, मुझे खुद आंसू पहुंचने में आनंद आता है। भगवान वह है, गुरु वह है, हाथ भी उठाएगा तो अपने आनंद के लिए उठाएगा। अभय अहिंसा परमो धर्म, अभय बोलो, अहिंसा परमो धर्म तुम्हारा है कि हमारा खुद का है? हमारे खुद का है। तो मैंने तुम्हें आशीर्वाद नहीं दिया, मैंने अहिंसा परमो धर्म का जयकार किया। अहिंसा परमो धर्म मेरे अंदर से निकला, करुणा मेरे अंदर से निकली, मैंने चींटी को नहीं बचाया, मैं नीचे देख के चल रहा हूं, नहीं। दुनिया कह रही है कि देखो मैंने चींटी को बचा दिया, नहीं, चींटी को नहीं बचाया, मैंने अपने दया धर्म की रक्षा की है, मैंने अपने धर्म के लिए उसको बचाया। अहिंसा व्रत मेरा था, मेरा अहिंसा व्रत था, मेरा दया धर्म था, मेरा आनंद था, मेरा परमानंद था। और वो परमानंद मुझे कब आएगा? जब मैं चींटी को बचाऊंगा। मैं चींटी को बचाता हूं तो बोलो चींटी को कितना आनंद आता है? चींटी को तो पता ही नहीं है कि किसी ने मुझे, लेकिन जब मैं चींटी को बचाता हूं तो मुझे कितना आनंद आता है ये मेरे से पूछो कि मेरा अहिंसा व्रत फल गया। और वो उपादान शक्ति जागती है कि मैंने आज एक चींटी को बचाया, अपना धर्म का पालन किया, एहसान नहीं किया, मेरे अंदर एक व्रत है, अहिंसा व्रत चींटी का नहीं है, किसका है बोलो ना? महाराज का है। तो उत्तर दो, मैंने चींटी को बचाया है कि अपने मुनि व्रत को बचाया है? है, लेकिन तुम लोग तो कह रहे हो महाराज ने चींटी बचाई है। चींटी नहीं बचाई, हमने अपना व्रत बचाया, मुनि धर्म बचाया, दया धर्म बचाया। और जिसका धर्म बचता है आनंद मुझे आता है। चींटी बचने पर जब आनंद आता है ये लौकिक कहलाता है, संसार कहलाता है, ये एक डाकू किसी को मार रहा था, एक गुंडा किसी को मार रहा था, उसने कहा जा मैं तुझे छोड़ता हूं, किसको आनंद आया? एक गुंडा एक डाकू किसी को मार रहा था, या मारने वाला था या मार सकता था, उसने छोड़ दिया, जाओ मैं छोड़ता हूं, किसको आनंद आया? जो बच गया, जो बच गया उसको आनंद आया, बचाने वाले को आनंद नहीं आया। अरे भैया बच गया, नहीं तो ऐसा खतरनाक डाकू था, ऐसा खतरनाक गुंडा था, प्राण ले लेता, प्राण ले लेता। अब बचने वाला खुश हो रहा है, आनंद मना, बच गया बच गया बच गया। और साधु ने भी किसी को बचाया तो बचने वाला आनंदित नहीं हो रहा है, बचाने वाला साधु आनंद हो रहा है। आज मेरे से एक प्राणी बच गया, आज मेरे एक प्राणी बच गया, पैर से कुचल जाता मैंने बचा लिया, आनंद आ रहा है, आनंद की अनुभूति हो गई। सारी परिणतियां यदि हमारे अंदर आ जाए, अनुभूति अपने लिए मरो, अपने लिए जियो, तुमसे कभी अलग गलत कुछ हो गई नहीं,
भूखे नहीं, तुम सारी दुनिया का पालन करोगे। जैसे मैंने कहा, मैंने आशीर्वाद दिया, बोलो ये आशीर्वाद तुम्हारे लिए मिल रहा है कि नहीं, लेकिन मैंने अपने आनंद के लिए दिया कि मेरा हाथ उठे, सारे जगत के दुख दूर हो जाए, ये आनंद मुझे आ रहा है। यही आनंद, यही बात जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम वनवास में थे, विदेही का अपहरण हो गया, दुखी थे, एकाएक रुक जाते हैं, बोले लक्ष्मण देखो यहां से किसी दुखी की आवाज आ रही है। लक्ष्मण कहते भैया आपकी बात मुझे समझ में नहीं आ रही, मेरे ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है, इतना चिल्ला रहा हूं तो भी कोई नहीं सुन रहा है, और भैया तुझे क्या हो रहा है कि तुझे पहाड़ों में से किसी दुखी की आवाज आ रही है और मेरा दुख कोई नहीं सुन रहा है। नहीं, मैं किसी का दुख नहीं सुनूंगा क्योंकि कोई मेरा दुख नहीं सुन रहा है, मेरा कोई दुख नहीं सुन रहा, मेरी कोई सहायता नहीं कर रहा, देवता नहीं आ रहा है, पाताल से कोई भी नहीं आ रहा है, मैं किसी का दुख नहीं सुनूंगा। राम जी कहते लक्ष्मण ये बताओ, ये दुनिया तुम्हारा दुख नहीं सुन रही है क्योंकि ये दुनिया है, तुम्हारा भैया कौन है? बोले मेरा भैया भगवान है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, महापुरुष है, जगत अवतारी है, जगत का श्रेष्ठ है, पवित्र है, पावन है, करुणा निधान है, दीनानाथ है। अब वो जो टाइटल आप लोग भगवानों को लगाते ना, अभी पूछा जाए सब लोग अपने अपने भगवान को टाइटल दो, भगवान कैसा है, तो आप इतने टाइटल लगाओगे, बोलो तुम्हारे महाराज कैसे है? अरे इतने उपाधियां लगाएगा कि उपाधियां कम पड़ जाएंगे, इससे भी आगे के हैं। लक्ष्मण के भगवान तो जो कुछ भी थे, भैया थे, राम थे, उन्होंने लगा दिया सारे टाइटल। बोले ये दुनिया कैसी है? बोले बेकार है, कठोर है, निर्दयी है, जितने बुरे सारे लक्ष्मण ने लगा दिए। तो बोलो सारी दुनिया मुझे भगवान कहती है, महान कहती है, तू भी कह रहा है, तो महान आत्माएं पहाड़ों के बीच में भी दुखिया की आवाज सुन लेते हैं और निकृष्ट लोग को चिल्ला चिल्ला के मर जाओ तो भी नहीं सुनते हैं, यही तो तेरे में भैया में और दुनिया में अंतर है, यही तो दुनिया में अंतर है। जिस दिन वे दुखियों की आवाज सुनने लग जाएंगे उस दिन ये सारी दुनिया तेरे भैया के स्थान पर आ जाएगी, वे सब राम हो जाएंगे, वे सब श्री राम का रूप धारण कर लेंगे क्योंकि वे दुखियों की आवाज सुनने लगे हैं। भगवान कहो, गुरु कहो, सज्जन कहो, इनकी परिभाषा यही है कि ये दुखियों की आवाज सुन लेते हैं, ये पहचान है। तो बोल आज से मैं दुखियों की आवाज सुनना बंद करता हूं, फिर जो तूने जो टाइटल दिए हैं ना मुझे, ये सारे टाइटल कल से तू देने लायक नहीं रहेगा। बोले नहीं, ये टाइटल तो रहेंगे, तो ये टाइटल जभी तक जिंदा रहेगा जब तक मैं दुखियों की आवाज सुनता रहूंगा, सुनता रहूंगा। मैं किसी के दुख दूर करने के लिए दुखियों की आवाज नहीं सुन रहा हूं, श्री राम ने लक्ष्मण से कहा। मोटिवेशन बहुत बड़ा मंत्र दे रहा हूं, अपनी जिंदगी में रख लेना एक सूत्र आज,
मैं दुखियों के दुख दूर इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं उनको सुखी कर दूं, मुझे दुखियों के दुख दूर करने में खुशी होती है, मैं अपनी खुशी के लिए कर रहा हूं। मुझे खुशी होती है, मुझे आनंद आता है। उनका दुख दूर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊं मुझे पता नहीं, लेकिन पता नहीं जब मैं किसी दुखी का दूर दुख करता हूं तो मुझे खुशी होती है। क्या तुम अपने भाई को खुश नहीं देखना चाहता? अब बोलो, लक्ष्मण के स्थान पर आप हो, अब दो श्री राम के प्रश्न का जवाब। पहले तो क्या कह दिया लक्ष्मण ने, मैं किसी का दुख दूर नहीं करूंगा क्योंकि कोई मेरे दुख, कोई मेरी आवाज नहीं सुन रहा है। कितने दिन हो गए चिल्लाते चिल्लाते, मेरे ऊपर कितना कष्ट आया है, कोई सहायता करने नहीं आया, मैं भी नहीं जाऊंगा। अब रामचंद्र जी ने कहा, इसको कितनी समझाएं ये समझने वाला, बस एक बात कह दी, तेरे भैया की खुशी जब होगी जब दूसरों के दुख दूर कर ले। तो बोल, मेरी खुशी के लिए तू कुछ करेगा कि नहीं? बोलो लक्ष्मण, श्री राम की खुशी के लिए क्या नहीं कर सकते है? जवाब दो जल्दी, बोलो। प्राण भी दे सकते हैं कि नहीं? किसके लिए? बोलते जाओ। अपने भैया के राम की खुशी के लिए प्राण भी दे सकते हैं। लक्ष्मण को कोई जवाब नहीं था। भैया, आप उनका दुख दूर करने का भाव तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं, ये गलती मैं करूंगा नहीं, मैं किसी के दुख दूर नहीं करता हूं, करूंगा भी नहीं। वांदकपुर वालों, तुम्हारे भी नहीं करूंगा मैं किसी के दुख दूर नहीं करता हूं, मैं किसी को खुशी नहीं करता हूं, बस मुझे दूसरों के दुख दूर करने में आनंद आता है, इसलिए दुख दूर करता हूं। बस इतना सा सिद्धांत को अपन को परिवर्तित करना है। नाचना है अपनी खुशी के लिए, प्रवचन का प्रारंभ याद करो, अपनी खुशी के लिए नाचोगे उसको भक्ति बोलते हैं, और दूसरों के खुश के लिए नाचोगे तो नट नटनी का नाच बोलते हैं। दुनिया में कैसे जीना है, मरकर जीना है या परिवर्तन करके जीना है? अपन को मरना नहीं है, अपन उस कपड़े के समान परिवर्तन करके जिएंगे, और वो परिवर्तन की शक्ति जब जागेगी तो जैसे कपड़े का परिवर्तन होते ही खुशी होती है, ऐसे जीवन का परिवर्तन करते ही खुशी होगी। यहाँ बांदकपुर वाले मुझे विशेष पर्पस से लाए हैं, वो बांदकपुर वालों को मालूम है, मंदिर आदि के। बस मैं तो भगवान का मंदिर बनाता नहीं, मैंने दुनिया में भगवान का मंदिर बनाया नहीं, इसलिए आपने गलती की, गलत नंबर डायल कर लिया। मैं तो जो कुछ भी करता हूँ अपनी खुशी के लिए करता हूँ, अपने आनंद के लिए करता हूँ। तुम लोग भी मेरे से मंदिर का शिलान्यास की चर्चा करो, किसका मंदिर बनाओगे, किसकी खुशी के लिए बनाओगे? यदि बांदकपुर वाला हर व्यक्ति अपनी खुशी के लिए, अपने आनंद के लिए मंदिर बनाओगे तो मंदिर ऐसे बन जाएगा कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। मंदिर के लिए नहीं। आज जैसे अभी पुलिस चौकी इंचार्ज ने जब मंदिर के लिए बोला, मैं इनका चेहरा देख रहा था, उन्होंने मंदिर के लिए दान नहीं दिया, उन्होंने आज जो उनके अंदर खुशी उमड़ी है और खुशी का इजहार किया है, आनंद उमड़ता है। कोई जरूरी नहीं था, कोई देना जरूरी थी नहीं था, लेकिन जब आनंद उछलता है, अंदर के एक आनंद की अनुभूति आती है, जो अपनी खुशी के लिए होता है वही दान हमारे लिए अनंत सुख का देने वाला कारण बनता है।
हर क्रिया में आप लोग अपने आप को स्थापित करो। मंदिर में नाचना भगवान को खुश करने के लिए नहीं, अपने अंदर की खुशी से नाचना कि हे प्रभु मुझे आनंद आ रहा है, आओ भाग्य मेरो उदय मेरा। मंदिर बनाओ अपनी खुशी के लिए, अपने आनंद के लिए, परमात्मा के लिए नहीं, अपने लिए बनाओ। और जब अपनापन आ जाएगा तो ये मंदिर भार नहीं बनेगा, ये मंदिर सौभाग्य बनेगा। और मुझे ला करके, मेरा मंदिर छोटा मोटा नहीं होता, कोई छोटे मोटे महाराज को पकड़ लेते तो आपका काम चल जाता। और मेरे द्वारा बताए हुए मंदिर बांदकपुर वालों, इतना भार बन जाएगा, इतना भार बन जाएगा कि तुम उसी के नीचे दबोगे, पर निकालेगा कौन? नहीं, मैं किसी के ऊपर भार रखता नहीं, मैं किसी का भार बनता नहीं। बस तुम्हें एक मानना है कि गुरु के द्वारा दिया हुआ आशीर्वाद भार नहीं सौभाग्य होगा, फिर तो कितने बड़ा हो। ये मंदिर भार बन के नहीं सौभाग्य बन के बनेगा। हर व्यक्ति एक सौभाग्य मान ले, मैं अपनी खुशी के लिए बना रहा हूं, मैं अपने आनंद के लिए बना रहा हूं, मेरे प्रभु का मंदिर मैं बनाऊंगा, भगवान खुश हो या नहीं हो लेकिन मैं जरूर खुश हो जाऊंगा। शबरी 3000 वर्ष तक इंतजार किया श्री राम का, राम को खुश करने के लिए नहीं, अपने अंदर की खुशी के लिए। उसको आनंद आता था, आनंद की अनुभूति आती थी, वो कभी ऊबी नहीं, कभी थकी नहीं। तुम्हें यदि 3000 वर्ष तक इंतजार किया है, शबरी का काल 3000 वर्ष माना जाता है, यदि तुम्हें 3000 वर्ष तक किसी का इंतजाम करे तो तुम मंदिर आना छोड़ो, थाली माली फेंक के आ जाओगे, कहां तक करो। आहा, शबरी का प्रतिदिन एक नया आनंद था और एक आनंद की अनुभूति होती थी। मैं कितनी भाग्यशाली हूं कि प्रतिदिन भगवान के स्वागत करने का मन बनाती हूं। उनको 3000 में वर्ष के अंतिम दिन भी उतना ही आनंद था जिस दिन पहले दिन आनंद था, कोई अंतर नहीं आया। पहले दिन का आनंद और 3000 वर्ष के अंतिम आनंद को देखना, बढ़ता ही गया, कम नहीं हुआ। तो धर्म की क्रियाओं को एक ऐसा परमानंद हमारे अंदर उत्पन्न हो जो सब कुछ तुम करना लेकिन परिवर्तन करना, सब कुछ करना, नृत्य करना है लेकिन अपनी खुशी में नाचना है। जैसे आज सब भजन मंडलियां सब नाच रही थी, सबके आनंद था, सबके चेहरे पर एक प्रसन्नता थी। आज बहुत पहली बार बहुत देखने में आया कि भक्तों ने भक्ति से मुझे प्रवेश कराया। बड़े बड़े शहरों में जाता हूं, बैंड वाले तुमसे बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, बहुत बड़े बड़े बैंड वाले बुलाते, 10-10, 20-20 बैंड लगा देते हैं, लेकिन भक्ति की सुरीली आवाज नहीं होती है। आज जो आवाज थी वो भक्तों के अंदर की थी, खुशी की थी, आनंद की थी। हर मंडली का नाम भजन मंडली या कोई भी रूप कह रहे थे, आनंद की थी। वही यही आनंद बहुत पहले पहली बार आया था बांदक में, 30-40 साल हो गए, पूज्य गुरुदेव के साथ में आया था जब मैं छुल्लक था, पहले सबसे पहले। बीच में एक बार यहाँ पीछे से खेतों खेतों आया था, लेकिन उस दिन की तो ज़्यादा स्मृति नहीं है, लेकिन आचार्य के साथ आया था तब जरूर स्मृति में था। सारा गांव कच्चे मकानों का घर था, आज सब पक्के मकानों का घर हो गया।
मंदिर था एक महादेव जी का, वो नगर के बाहर माना जाता था, आज वो नगर के मध्य में आ गया। तो ये सब विकासवाद और भक्ति का स्वरूप बनता है। आपका समय हो गया, इतने क्या के प्रणाम करता हूँ। महावीर भगवान है कि जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम। पंच परमिष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय हो। पूज्य मुनिमंग पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। संसार में कोई भी वस्तु ना तो अच्छी होती है और ना बुरी होती है। अच्छी और बुरी वस्तुएं जब परस्पर में व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ता है तो अच्छे बुरे की कल्पना आती है। जब निमित्त शक्ति जागती है तो उपादान को अच्छे और बुरे का निर्णय करना पड़ता है। स्वयं में वस्तु जो है स्वचतुष्टय में विद्वान है, और स्वचतुष्टय शाश्वत होता है, अविनाशी होता है। स्वचतुष्टय में कभी कोई चीज बुरी होती ही नहीं है। जो कुछ भी स्वचतुष्टय में आता है वह स्वयं के लिए बहुत बड़ा, जीने के लिए कार्यकारी होता है। स्वयं किसी भी अहित वस्तु का निर्माण नहीं करता। प्रकृति ने जो हमें उपादान शक्ति दी है वह हमारे हित के लिए है, हमारे कल्याण के लिए है, हमें सहयोगी बनती है। सांप को जहर दिया है, हमारे लिए वो जहर है। हमने नाम रखा जहर, लेकिन जब सांप से पूछा गया तो सांप के लिए वही जहर अमृत है, वही इसकी जिंदगी है, वही उसका सुरक्षा कवच है। जहर से निकले हुए सांप की जिंदगी खतरे में होती है, और वह अपने आप में मानता है, हर सांप जान कहता है कि मेरे अंदर जहर होना चाहिए। जहर पाने का वो प्रयास करता है, जहर को डेवलप करता है, लेकिन जब पर सापेक्ष देखते हैं तो वही सांप काल का रूप धारण कर लेता है। इस संसार की बड़ी विचित्र स्थितियां हैं। संसार छोड़ने का कारण यही बना कि संसार में व्यक्ति स्व सापेक्ष नहीं रह पाता, अपने उपादान के अधीन नहीं रह पाता, अपने स्व चतुष्टय का उपभोग नहीं कर सकता, अपने स्व शक्तियों का उपभोग नहीं कर पाता। इसे शेयर करना पड़ता है, बांटना पड़ता है, कोई भी छीन सकता है, किसी से छीनना पड़ता है। आज मैं मांसाहार नहीं कर रहा हूं, आज मैं शराब नहीं पी रहा हूं, ये जैन कुल की बात है। यदि जैन कुल में जन्म ना लिया होता तो बोलो आप क्या कर रहे होते, मांसाहारी हो सकते थे कि नहीं, शराबी जुआड़ी हो सकते थे कि नहीं, हो सकते थे। आज किस लिए नहीं हो, ये श्रेय किसको जाता है, बोलो आप बोलो। जैन कुल में जन्म लेने का श्रेय ये जाता है कि तुमने आज तक मांस छुआ नहीं, तो बस बस आज से जिंदगी में ये नियम ले लो
जिस कुल के कारण मुझे गर्व है कि आज हम इतने अच्छे इंसान हैं, आज के बाद मैं कभी कुल को कलंकित नहीं होने दूंगा, कुल के अनुसार जिंदगी जीऊंगा, बस जिसको श्रेय। दूसरा मोटिवेशन जो मैंने आपको दिया कि आपको जिस दिन गर्व महसूस हो वो श्रेय किसको है, और श्रेय का नाम नोट करना और संकल्प करना हमारी जिंदगी आज के बाद इन्हीं के अनुसार चलेगी, क्योंकि जो कुछ जिंदगी मिली है वो इन्हीं का श्रेय है, इन्हीं की बदौलत है, अन्यथा मैं कहाँ होता। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे से पूछो महाराज आप इतने अच्छे बोल रहे हो, इतने बढ़िया हो, आप अपनी जिंदगी का श्रेय किसको देते हो, पूछ लो आप, कोई बात नहीं, अभी नहीं पूछना, शाम को पूछना, शाम को तो तुम पूछ सकते हो, किसको देते हो, किसको देते हो? कुल और जाति को तो अब देने का कोई सवाल है नहीं, क्योंकि उससे तो हम बहुत ऊपर उठ गए, उसको थैंक्स तो उसी दिन कह दिया था जिस दिन दीक्षा लेने का भाव किया था, काश आज इसका थैंक्स तो उसी दिन कह दिया था जब मैंने जिनेंद्र देव को पहचाना था, क्योंकि ना जैन कुल में जन्म लेता ना जिनेंद्र को, लेकिन आज श्रेय मैं देता हूं परम पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज। आज जो मैं इतना अच्छा साधु हूं, कहीं यदि कोई खोटे दे गुरु के चक्कर में पड़ जाता तो झाड़ा फूंक कर रहा होता, थू पता नहीं क्या क्रियाकांड कर रहा हो, सब देखे तुमने कैसे कैसे साधु है। आज जो तुम कहते हो अच्छे साधु हो, तो मुझे गर्व होता है जब तुम मुझे अच्छा कहते हो। सुनना, मैं इतना असहिष्णु नहीं हूं कि अपनी निंदा ना सुन सकूं, लेकिन इतना कायर भी नहीं हूं कि मैं अपनी प्रशंसा भी ना सुन सकूं। कहो आप अच्छे साधु हो, जब आप कहते हो महाराज आप बहुत अच्छे साधु हो, बहुत अच्छे महाराज हो, मुझे गर्व होता है, सीना 56 इंच का हो जाता है जब तुम कहते हो, जब तुम कहते हो। लेकिन दूसरी नीति समझना, यही कह के सुन के मत उठ जाना, तुरंत जब मुझे ये गर्व होता है कि मेरी चर्या पर लोग कह रहे हैं, मेरी प्रोचन को लोग कह रहे हैं, ओह क्या महाराज ने प्रोचन दिया, क्या चर्या है, क्या लोग धन भाग मानते हैं, तो मैं सोचता हूँ ये श्रेय किसका है, ये श्रेय किसका है, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर को देता हूँ। और जब श्रेय विद्यासागर महाराज को देता हूँ तो संकल्प करता हूँ कि मेरी सारी जिंदगी उन्हीं की मर्जी के अनुसार चलेगी। अब बोलो, यदि मैं जिंदगी भर गुरु की मर्जी के अनुसार चलूंगा तो जिंदगी भर अच्छा रहूंगा कि नहीं। श्रेय किनको है, सवाल ये नहीं कि तुम अच्छे हो या बुरे हो, सवाल ये है कि श्रेय, बुरे हो तो हो, सवाल ये नहीं है कि तुम बुरे हो, ये बुरे होने का श्रेय किसको है, उसको कोसो जिसके कारण से तुम बुरे हुए हो, उसको बददुआ दो जिसके कारण से तुम बुरे, और उसको दुआ दो जिसके कारण तुम अच्छे हुए हो। आज सारा बुंदेलखंड अच्छा हुआ है किसकी बदौलत, आज सारा श्रेय किसको है, आचार्य महाराज को। तो आज सब अपन दुआ किसको देंगे, और अपनी जिंदगी किसको सौंपेंगे, अपना भविष्य किसके अनुसार होगा, बस सब अच्छे ही अच्छे ही है, ऐसा आचार्य जी ने आशीर्वाद दे दिया महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्य अर्जक थे माता पिता रमेश चंद जैन, सीता देवी जैन, पुत्र पुत्र वधु संजय जैन, मीनू जैन, राजकुमार जैन, अलका जैन, साहिल जैन, निधि जैन, पौत्र पौत्री सम्यक, उज्जवल, भव्य, विधि, कार्तिक, जैनम एवं समस्त रोलिया परिवार तिजारा।